वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.9। तो इसमें हमें क्या करना है कि इवेलुएट करना है द डिफिनिट इंटीग्रल, जो डिफिनिट इंटीग्रल है इन एक्सरसाइज 1 to 20। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक में आपको इन सबको इवेलुएट करना है। तो कैसे करना है तो मैं एक करके दिखाता हूँ, सारे वैसे ही होंगे। तो ये आपको जो भी दिया है इंटीग्रेशन, तो इसको आप पहले क्या करो कि इसको इवेलुएट कर दो। कैसे करते हो इसको, ये है लिमिट x+1 dx -1 to 1, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है, और ये आपका इंटीग्रल होता है। ठीक है, इंटीग्रैंड होता है, इसका इंटीग्रेशन कर दो आप। तो x का इंटीग्रेशन जानते ही हैं, x का इंटीग्रेशन x की पावर 1 होता है, 1 ऐड हो जाएगा, तो x की पावर 2/2, एक फार्मूला होता है x की पावर n का इंटीग्रल। तो x की पावर n+1 और डिवाइड कर देते हैं n+1 से प्लस c। तो यहीं पे हमने वही किया है, तो x की पावर n था। तो अच्छा, ये जो प्लस c होता है ये उनके लिए होता है जो इनडेफिनिट होते हैं, ये तो डेफिनेट है क्योंकि इसमें लिमिट दी हुई है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है -1 to 1। तो ये जो लिमिट दी होती है ये हेल्प करती है एरिया निकालने का, एरिया अंडर द कर्व निकालने में मदद करती है। ठीक है, तो हमने x का इंटीग्रेशन किया तो x²/2 आ गया इस फॉर्मूले से। जैसे मान लो x की पावर मान लो 2 होता, तो अगर हम इंटीग्रल करते तो x की पावर 2 है तो 1 जुड़ जाता, तो 2+1 और डिवाइड में 2+1, तो x की पावर 3/3। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी x की पावर कुछ नहीं था तो 1 था, 1 जुड़ा तो 2 और बटे में 1 और 1 2, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, -1 to 1। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि अपर लिमिट रख, ये जो ये ऊपर वाला होता है अपर लिमिट, नीचे वाला होता है लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट रखना है, एक बार लोअर लिमिट रखना है, और दोनों का डिफरेंस कर देना है। तो इस पूरे जो भी आपका एंटी डेरिवेटिव निकला है, ये जो निकलता है इसे बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन, या ऊपर वाला होता है अपर लिमिट और नीचे वाला होता है लोअर लिमिट। ठीक है, तो एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1, और एक बार लोअर लिमिट -1 पुट करके डिफरेंस कर देंगे। तो एक बार पूरे में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो 1²/2 + 1, और डिफरेंस कर देंगे। एक बार जहाँ जहाँ x है पूरे फंक्शन में -1 पुट कर देंगे, तो x की जगह -1² / 1 और प्लस x की जगह -1। ठीक है, तो 1² है ये, तो 1² एक ही रहेगा, तो 1/2 + 1, यहाँ पे भी 1² 1/2 रहेगा, प्लस -1, ये जुड़ जाएगा एलसीएम पे, 2 + 2 और 1 + 2 + 2 हो जाएगा 3/2। ठीक है, और माइनस इसको एलसीएम लेंगे तो 1 - 2/2, तो जाएगा -1 - 2 और -- मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1/2, तो एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 3 और 1 = 4/2। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 + 2 = 2, 3 और 1 = 4, ये कट जाएगा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से बाकी सारी क्वेश्चन भी करने हैं आपको। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है 2 से 3 1/x का। ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका log x। ठीक है, तो log x और लिमिट है 2 से 3। ठीक है, तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा log 3 और माइनस एक बार लिख देंगे log 2, यानी एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो log 3 और माइनस, और एक बार 2 पुट करेंगे तो log 2। अब ये फॉर्मूला होता है कि log a माइनस log b होने पर हम लिख सकते हैं इसे log a अपॉन में b। ठीक है, यानी log a अपॉन b लिख सकते हैं, तो ऐसे log 3 ऊपर और 2 नीचे लिख देंगे, तो 3/2 आंसर। ठीक है, ऐसी बाकी की पूरी एक्सरसाइज है उसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसको आप करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ठीक है।